सो इसमें डाल दिया है मैंने पानी, देख लीजिए। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चीनी, ये देखिए, और इसमें चीनी लगेगा थोड़ा सा, और इसके साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा किशमिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्सा मॉन ट्यूब। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक स्वीट रेसिपी लेकर, मतलब कि चटनी की रेसिपी लेकर, जो बनती है अनानास से। आज मैं अनानास की चटनी बना के दिखाने के लिए जा रही हूँ, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो उसमें ज़्यादा कुछ लगता है नहीं और ज़्यादा ना ही टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं बनाने के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि उन लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्राई पैन हो गया है गर्म, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, ये देख लीजिए, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पचफोरन और सूखी मिर्च। इसमें डाल दे रही हूँ मैं सूखी मिर्च और थोड़ा सा पचफोरन। सब मैं इसमें डाल रही हूँ अनानास, ये देख लीजिए, और इसे चला रही हूँ अच्छे से, और नमक हल्दी डाल रही हूँ, ये डाल दिया है मैंने इसमें हल्दी। अब डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, बाद में डालूंगी चीनी जो है इसे मीठा करने के लिए, पहले इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा। ये हो गया है अच्छे से फ्राई, तब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, ठीक है, पानी डाल के और इसमें चीनी डाल देंगे, ये देख लीजिए। तो इसमें डाल दिया है मैंने पानी, देख लीजिए। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चीनी, ये देखिए, और इसमें चीनी लगेगा थोड़ा सा, और इसके साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा किशमिश, क्योंकि मेरे पास छुहारा नहीं है, छुहारा रहने से मैं इसमें डाल देती तो वो भी अच्छा लगता है इसमें। फिलहाल इसे अच्छे से ढक देते हैं और इसे खौलाने देते हैं। सो ये देख लीजिए मेरा चटनी कितने अच्छे से बन के, अनानास का चटनी रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप इसकी, ठीक है। तो मैं इसे भी आपको सर्व करके आगे दिखा देती हूँ। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी चटनी की, जो आप लोग अपने घर में जरूर बनाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।